The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So we are talking about zinc. Zinc kya hai? Zinc kyun hai? Kahan se aayega? Chahiye, nahi chahiye shareer mein? Ji haan, zinc ek metal hai. ये एक मेटल है और ये एक एसेंशियल मिनरल है. जी हाँ, ये आपकी बॉडी को चाहिए. आपकी बॉडी को सही फंक्शन, फॉर इट्स नॉर्मल फंक्शनिंग बॉडी नीड्स जिंक. एंड ये आप जब भी कोई मल्टीविटामिन लेते हो कि उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि उसमें जिंक होगा. देर आर गुड चांसेस कि उसमें जिंक होगा. और जिंक जो होता है आपके लिए नेसेसरी भी है, ज़रूरी भी है और रिलेटिवली सेफ भी है. जिंक आप नॉर्मल अपनी डाइट से भी ले सकते हैं. जी हाँ, लेकिन हाउएवर ये आपको बहुत सारी अलग अलग दूसरी चीज़ों में भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि पेंट्स, आपके दीवार में लगने वाला पेंट, डाई और बहुत सारी ऐसी पर्टिकुलरली कई टॉक्सिक सब्सटेंसेस में भी जिंक पाया जाता है. सो जिंक के बारे में जो हम बात करेंगे कि जिंक से क्या ज़रूरी है, जिंक आपके डाइट में कितना ज़रूरी है, फिर आखिरी में बात करेंगे जिंक से कोई पॉइजनिंग हो सकती है क्या, उन सब के बारे में बताएंगे आपको. कहाँ से मिलेगा, कितना चाहिए, फंक्शन क्या क्या है, राइट. आपके शरीर में ये दूसरा सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट ट्रेस मिनरल है. ट्रेस मतलब बहुत रत्ती भर ज़रूरत है इसकी, कम मात्रा में ज़रूरी है लेकिन ज़रूरी है. ये सेकेंड है आयरन के बाद. आयरन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, बॉडी के अंदर बहुत सारे कामों के लिए. जिंक इज सेकेंड. सो जिंक ज़रूरी है, राइट. जिंक आपके पूरी बॉडी में चाहिए, हर एक सेल को चाहिए. क्या क्या काम करता है? डिफेंस सिस्टम, इम्यून सिस्टम, उसके पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट है. सही काम करने के लिए जिंक चाहिए, उसके इम्यून रिएक्शंस के लिए जिंक चाहिए. फिर सेल डिविजन, एक सेल दूसरे सेल में डिवाइड होगा, ग्रो होगा, सेल ग्रोथ, बच्चों की ग्रोथ में आपके स्किन सेल रिप्लेनिश होंगे, डिवाइड होंगे. अच्छी स्किन के लिए जिंक चाहिए, हेयर के लिए जिंक चाहिए, वूंड हीलिंग के लिए जिंक चाहिए. वूंड हीलिंग के अलावा कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन के लिए, एनर्जी के लिए जिंक चाहिए. तो सोचो कितना ज़रूरी है. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो भी प्लस इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट ऑल्सो. स्मेल और टेस्ट भी गड़बड़ा जाएगी, जिंक में गड़बड़ होगी तो, यानी कि आप जो टेस्ट आ रहा है आपको मुंह में, जो स्मेल आ रही है वो. फिर प्रेगनेंसी के दौरान आप माता पिता को, माता को और बच्चे को, इन्फेंट को, दोनों को चाहिए. चाइल्डहुड, बचपन में जिंक बहुत ज़रूरी है बॉडी को ग्रो करने के लिए, प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, राइट. डायबिटिक्स पेशेंट को इंसुलिन के एक्शन के लिए जिंक चाहिए. तो इतना ज़रूरी है भैया जिंक, नो डाउट जिंक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. और अगर हम, अगर मान लीजिए अगर आप जिंक का कोई सप्लीमेंट लेते हो, प्रॉपर सप्लीमेंट, तो जिंक सप्लीमेंट आपको कहाँ कहाँ मदद कर सकता है? रिसर्चेस में ये देखा गया है 5 महीने जिंक सप्लीमेंट लेने पर वो आपके बीमार होने के, कोल्ड होने का रिस्क कम कर देता है. यहाँ तक कि छोटे बच्चों को, जब छोटे बच्चे को कोल्ड हो जाता है ना, उसको ZND ड्रॉप्स देते हैं, जिंक ड्रॉप्स दिया जाता है. जी हाँ, 5 महीने तक जिंक लेंगे तो वो आपके सिक, बीमार, सर्दी खांसी होने के रिस्क कम करेगा आगे, राइट, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ा देगा. और अगर आप जिंक सप्लीमेंट लेते हो तो 24 घंटे के अंदर आपकी जो कोल्ड के सिम्टम है वो कम होने लगते हैं. जी हाँ, ये भी देखा गया है, और लेस सिवियर हो जाते हैं, सिम्टम्स कम हो जाते हैं. लेकिन जो सप्लीमेंटेशन है वो अपने जो रिकमेंडेड अमाउंट है कि इतना दिन में चाहिए, उससे भी ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है. जितना रिकमेंडेड है उतना चाहिए. रिकमेंडेशन क्या है बताएंगे. पहले समझते हैं कि मिलता कहाँ से, फूड प्रोडक्ट्स, किस किस खाने पीने की चीज़ से जिंक मिलता है, बहुत ज़रूरी. तो एनिमल प्रोटीन में जिंक ज़्यादा मात्रा में, इज़ अ गुड सोर्स ऑफ जिंक एनिमल प्रोटीन. जैसे कि आपके हो गए चिकन, मीट, फिश, बीफ, पोर्क, लैम, वट एवर यू ईट, ऐसे इसमें सब में फिश है, सब में जिंक है. जो डार्क मीट है, डार्क कलर का मीट है चिकन का, उसमें ज़्यादा जिंक है. लाइट कलर के मीट में कम है, राइट. डार्क कलर का मीट जो मटन है उसमें ज़्यादा है. सो नट्स, वेजिटेरियन सोर्सेज में नट्स है, नट्स, पीनट, ग्राउंडनट, अपना ड्राई फ्रूट्स, होल ग्रेन्स में है, दालों में है और यीस्ट में है.
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में नहीं है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में माइल्ड सा है, ना मतलब इट्स नॉट अ गुड सोर्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स उसके नहीं है सोर्स अच्छे, मगर जिंक प्लांट प्रोटीन में जो होता है वो आपकी बॉडी के लिए अवेलेबल नहीं होता उतने अच्छे से इतना एनिमल प्रोटीन में। देयरफॉर आपको जो लोग लो प्रोटीन डाइट में हैं, जो लोग वेजिटेरियन हैं, उनको जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है, बिल्कुल जैसे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उनको एक मल्टीविटामिन लेना चाहिए जिसमें B12 हो और थोड़े से ट्रेस एलिमेंट्स हो, जिंक विंक थिंक ऐसे, फॉर एग्जांपल बीकाडेक्सामिन, सिंपल सस्ता सुलभ टिकाऊ सुपरा डीन A to Z ऐसे कुछ भी, राइट। जिंक मोस्ट सारे मल्टीविटामिन और मिनरल सप्लीमेंट्स में होगा ही होगा, राइट। इसमें कई बार जिंक ग्लूकोनेट होगा, जिंक सल्फेट होगा, जिंक एसीटेट होगा, राइट। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये सही है कि वो अच्छा है, कोई भी होगा चलेगा, ठीक है। और जिंक इज फाउंड इन ओवर द काउंटर मेडिसिंस, कोल्ड की मेडिसिंस में मिलता है, नेजल स्प्रे में मिलता है, नेजल जेल में मिलता है, ज़्यादातर कोल्ड कफ की मेडिसिंस में जिंक काफ़ी पाया जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट्स हो गए आपके जिंक को समझने के। अब जिंक ना हो, जिंक की डेफिशिएंसी हो जाए आपके अंदर, कमी हो जाए, वेजिटेरियन हो, नहीं खाते आप कोई चिकन मटन, तो क्या होगा? डेफिशिएंसी में सबसे इंपॉर्टेंट आपकी इम्यून सिस्टम कम हो जाएगा, इम्यून सिस्टम वीक हो जाए तो फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस हो जाएगा, यहाँ तक कि मेल्स में हाइपोगोनाडिज्म, टेस्टिस थोड़े सिकुड़ जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है, लिबिडो कम हो जाता है, इरेक्शन प्रॉब्लम आ सकती है, ये सारी चीज़ें हो सकती है, हेयर लॉस हो सकता है, भूख लगना कम हो सकती है, आपके सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ स्मेल ख़त्म या कम हो सकती है, स्किन के अंदर अल्सर छाले सोर्स हो सकते हैं, मुंह के अंदर छाले हो सकते हैं, ग्रोथ स्लो हो सकती है बच्चों की, बॉडी बिल्डर्स की मसल ग्रोथ स्लो हो सकती है, और यहाँ तक के आँखों के सामने डार्क मतलब नाइट ब्लाइंडनेस जैसा आ सकता है, अंधेरे में देखने में परेशानी हो सकती है, और वुंड हीलिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं अगर आपको जिंक की डेफिशिएंसी है। देखो कितना इंपॉर्टेंट है जिंक। और अगर आपने जिंक सप्लीमेंट ज़्यादा ले लिया, नहीं भाई जिंक बहुत ज़रूरी है, मैं तो रोज़ जिंक खाऊंगा, ये भी जिंक, वो भी जिंक, वो भी जिंक, जिंक जिंक, तो ज़्यादा ले लिया तो ज़्यादा से साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे? आपको डायरिया हो सकता है ज़्यादा जिंक से, आपको पेट में क्रैम्प्स हो सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है, लेकिन ये ज़्यादातर होते हैं जब भी आपने कोई ऐसा जिंक का हैवी सप्लीमेंट लिया उसके 3 से 10 घंटे के बाद, लेकिन ये कुछ ही थोड़े ही समय में ये ठीक हो जाता है जैसे ही आपने सप्लीमेंट बंद किया। सो एक्सेस जिंक भी सही नहीं है, प्लस एक्सेस जिंक लेने से दूसरे जो आयरन कॉपर उसका भी एब्जॉर्प्शन में थोड़ी सी कमी आ, उसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। इसलिए ये चीज़ ज़रूरी है कि जिंक ले रहे हैं तो आयरन कॉपर इंपॉर्टेंट है, वो चेक करके रखना, या एक मल्टी विटामिन ले लो, उसमें सभी रहता है, दैट इज़ वन गुड टेक्निक। तो जो लोग नेजल स्प्रे लेते हैं जिनमें जिंक होता है, उनको क्या साइड इफ़ेक्ट्स होता है? उनको भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं कि वो अपने लॉस ऑफ सेंस ऑफ, भाई मुझे तो स्मेल ही नहीं आ रही, उनको लगता है मेरा नाक बंद है, लेकिन ऐसा नहीं है, जिंक भी कर सकता है, राइट। सो नाक तो बंद हो भी सकता है, बाकी चीज़ें। सो अल्टीमेट सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट, कितना जिंक चाहिए आपको, व्हाट इज़ द रिकमेंडेशन ऑफ डोसेज, राइट, डोसेज ऑफ जिंक। डाइट्री रेफरेंस इंडेक्स DRI जो हम फूड एंड न्यूट्रिशनल बोर्ड डेवलप करती हैं, इनके बेसिस पे रिकमेंडेशन बनाई जाती है, डाइट्री रिकमेंडेड डाइट्री अलाउंस RDA, राइट। यानी कि एवरेज डेली लेवल पे हर एक डेली आदमी जो उसकी उम्र के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से, उनको कितना खाना है, क्या खाना है, और ये जितना हेल्दी पर्सन के 97 से 98% तक रिक्वायरमेंट पूरा कर देगा, इतना मात्रा में खा लिया तो, राइट। इसमें क्या है, 6 महीने से छोटा बच्चा है तो 6 महीने से छोटे बच्चे को 2 मिलीग्राम पर डे जिंक चाहिए। तो अपना मल्टीविटामिन देखो, उसमें जिंक कितना मिलीग्राम है वो देख लेना, 6 महीने से छोटा है तो उसको 2 मिलीग्राम पर डे चाहिए। बच्चे हैं जैसे 7 महीने से लेकर 3 साल तक के, कोई बच्चा है 7 महीने से 3 साल तक, तो उनको 3 मिलीग्राम चाहिए। 4 से 8 साल 5 मिलीग्राम, 9 से 13 साल 8 मिलीग्राम, और बड़ों को 14 साल से ऊपर जो टीनेज ग्रुप है मेल्स में अलग, फीमेल्स में अलग है, इसमें 14 साल के ऊपर मेल्स को थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है 11 मिलीग्राम, और 14 साल से 18 साल की फीमेल्स को 9 मिलीग्राम चाहिए पर डे, और फीमेल जो 19 साल से ऊपर है
उनको 8 मिलीग्राम थोड़ा सा कम चाहिए होता है क्योंकि ग्रोइंग फेज 18 साल तक फीमेल की डन हो जाती है, और 8 मिलीग्राम अगर प्रेग्नेंट हो गए तब बढ़ जाएगा वो 11 मिलीग्राम हो जाएगा, 11 मिलीग्राम ठीक है, और अगर 18 साल के बीच में प्रेग्नेंट हो गए तो 12 मिलीग्राम ऐसा चाहिए होता है, और अगर ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं तो 12 मिलीग्राम या 13 मिलीग्राम चाहिए होगा। तो सबसे ज़्यादा चाहिए, हमेशा याद रखिए, जो प्रेगनेंसी है, जो ब्रेस्ट फीडिंग है, जो लैक्टेशन के टाइम है उसमें ज़्यादा दिया जाता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज दोनों को चाहिए, आपको भी और डेवलपिंग बच्चे को भी। सो बेस्ट वे क्या है डेली रिक्वायरमेंट आपका पूरा करने का, वो बैलेंस्ड डाइट है। बैलेंस डाइट का मतलब है अच्छा खासा प्रोटीन का आपका सोर्स होना चाहिए, चाहे वो आपका वेजिटेरियन सोर्स हो या नॉन वेजिटेरियन सोर्स हो, तो आपने नट्स, होल ग्रेन्स, दूध, दही, पनीर, लस्सी, छाछ, सोयाबीन, दालें, इनको अच्छी मात्रा में रोज़ खाना है। सैलड्स और फ्रूट्स को भी एक पार्ट रखना है, ना कि सिर्फ सैलड खाऊंगी मैं, सिर्फ सैलड खाऊंगा मैं तो डाइटिंग कर रही हूँ, क्रैश डाइट ऐसा कुछ नहीं करना है, ना तो ये डेफिशिएंसी हो जाएगी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसीजंस व्हाट यू मेक, राइट। सो एक बैलेंस डाइट रखेंगे तो जिंक पूरा हो जाएगा। लगता है डाउट है तो बीच बीच में मल्टीविटामिन ले लो, मल्टीविटामिन, राइट। तो दिस इज द बेसिक अबाउट जिंक डेफिशिएंसी और जिंक का कॉन्सेप्ट। अब अगर जिंक एक पॉइजनिंग की बात करें, राइट, कि जिंक पॉइजनिंग हो सकता है, एक्चुअली जिंक एक पॉइजन नहीं है, लेकिन अगर जिंक बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी ने खा लिया, किसी मात्रा कभी कभी, तो एक कंपाउंड जैसे कोई पेंट हो गया, कोई रबर हो गया, कोई डाई होगी, ऐसी चीज़ खा ली, मान लो पेंट खा लिया, ये उसमें जिंक ज़्यादा मात्रा में आ सकता है, राइट। सो ऐसे में, या फिर बहुत ज़्यादा ही विटामिन खा लिए जैसे, और या फिर सिर्फ ऐसे ही जिंक ऑक्साइड और एसीटेट का कोई पाउडर या लिक्विड खा लिया, ऐसी चीज़ें भी, राइट, या फिर कोई मेटल है, बहुत मेटल भी होते हैं जिनमें जिंक फ्यूम्स निकलते हैं, जो बर्न होते हैं ना, ज़्यादा जले हुए मेटल होते हैं ना, हीटेड मेटल्स, उससे जिंक के फ्यूम्स निकलते हैं, तो वहाँ से भी आपको जिंक पॉइजनिंग हो सकती है। ऐसे में क्या होगा, जिंक ज़्यादा हो जाएगी, आपके बॉडी पेन होगा, बर्निंग सेंसेशंस, कन्वल्जंस, कफ, आपको फीवर चिल्स आ सकते हैं, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, रैश हो सकता है, आप गिर सकते हो लो ब्लड प्रेशर करके, शॉक में जा सकते हो, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, वॉमिटिंग, डायरिया, येलो आइज, येलो स्किन, ये सब हो सकता है। ये रेयर है, फिर से बता रहा हूँ, नॉर्मल खाने पीने से या नॉर्मल विटामिन सप्लीमेंट से जिंक की ओवरडोज या पॉइजनिंग नहीं होगी। पॉइजनिंग होगी किससे, पेंट खा लिया या जलते हुए मेटल्स के, हैवी बर्न मेटल्स के साथ काम करते हो, या फिर कोई इस तरह की कोई चीज़ें में पॉइजनिंग, रबर डाइज वाइज खाली पॉइजनिंग, वो उसमें हो सकती है उस केस में। ऐसे में आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है और उसको दिया जाता है मिल्क, जी हाँ मिल्क, दूध बहुत ज़रूरी होता है जिंक का, वो अंदर जाके उसका जो इफ़ेक्ट है, उसका जो ये कह लीजिए पेट के अंदर जो जलन है, पेट को शांत करता है ठंडा दूध, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, पर्सन गिवन मिल्क। उसके बाद में इमरजेंसी में ट्रीटमेंट होता है, जो भी पॉइजन कंट्रोल है, गैस्ट्रिक लवाज करना है, ये करना है, वो करना है, वो सब इमरजेंसी लेवल पे होगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी बात हुई जिंक की, आई होप आपको समझ आई। कोई भी सवाल है आप ज़रूर लिखिए जिंक से, जिंक बहुत ज़रूरी है, वेजिटेरियन है आप लोग, नॉन वेज नहीं खाते हो, वेट लॉस कर रहे हो, सिर्फ सैलड खाते हो, तो जिंक डेफिशिएंसी होगी, मेक श्योर कि यू आर टेकिंग योर मल्टीविटामिन, राइट। थैंक यू सो मच एंड डू लेट मी नो योर क्वेश्चंस, ठीक है।